व छात्रों की आज से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। 5 अप्रैल तक एग्जाम चलेंगे। बता दें आपको 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी। इसके साथ ही कल से 10वीं की परीक्षाएं भी शुरू होंगी। 21 मार्च तक 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी। तो परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आज से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। 5 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षाएं चलेगी। कल से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। 21 मार्च तक 10वीं के एग्जाम चलेंगे। बोर्ड छात्रों के लिए ये बड़ी खबर है। एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। आज से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। 5 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षाएं चलेंगी और कल से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। भोपाल से हमारे साथ दीपक द्विवेदी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रायपुर से दामिनी बंजारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बोर्ड एग्जाम की शुरुआत सीबीएसई की आज से हो गई है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहेगी? छात्रों पर नकल को रोकने के लिए किस तरह से निगरानी की जाएगी? हाँ, मैं बता दूं कि आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई और अभी हम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पर है और यहाँ पर विद्यार्थियों का आवागमन भी जारी है। पर हाँ, मैं बता दूं आज जो परीक्षा हो रही है लैंग्वेज की परीक्षा हो रही है। जिन्होंने स्पेशल लैंग्वेज ले रखा है, जिसने इंग्लिश, स्पेनिश या मलयालम, मराठी, तेलुगु, इसलिए आज विद्यार्थियों का ज़्यादा जमावड़ा नहीं होगा। पर राजधानी भोपाल में अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ पर जो भोपाल में अलग अलग राज्य से पढ़ने वाले विद्यार्थी आकर अपनी यदि लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं तो आज उनकी परीक्षा शुरू हो गई है। मुख्य परीक्षा 20 तारीख से शुरू होगी, जिसे कह सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज परीक्षा ली जाएगी। पर हाँ, आज जो परीक्षा है उस परीक्षा में सिर्फ लैंग्वेज को लेकर परीक्षा आयोजित की गई है, इसलिए ज़्यादा विद्यार्थियों का जमावड़ा नहीं है। अभी हम भोपाल के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का जरूर आवागमन जारी है। कुछ विद्यार्थी यहाँ के हैं जिन्होंने स्पेशल लैंग्वेज लिए, उनका सेंटर भी अभी दूसरी जगह है। पर हाँ, बात करते हैं यदि उनके परीक्षा के स्तर पर कि आखिरकार उन्हें कौन कौन से नॉर्म्स को पालन करना होगा, तो उन्हें वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरह का ले जाने नहीं देंगे। जो उन्हें कपड़े पहन के आने वो हाफ स्लीव्स होना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने उनके टाइम टेबल पे गाइडलाइन दे रखा है कि कौन से पेन का उपयोग करना है, जैसे रेड पेन का उपयोग नहीं करना है, ब्लू और ब्लैक पेन का उपयोग करना है, अलग अलग जो गाइडलाइन है उसका उन्हें विद्यार्थियों को पालन करना होगा। तो यह अभी आज से परीक्षा शुरू हो गई है सीबीएसई बोर्ड की और अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। जी, बने रहिएगा दीपक, फिलहाल जानकारी आपने दी, बने रहेगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन दामिनी हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ी हुई हैं। दामिनी, देखिए, कोरोना के बाद से सीबीएसई बोर्ड पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा आयोजित करवा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कितने सेंटर्स यहाँ बनाए गए हैं, कितने छात्र हैं जो इस परीक्षा में बैठेंगे प्रदेश में, इसके साथ ही किस तरह की तैयारियां एग्जाम्स को लेकर की गई हैं? देखिए, बोर्ड परीक्षाएं जो होती है उसे लेकर बच्चों के मन में जितना तनाव होता है उतनी ही टेंशन जो उनको बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं उनके लिए भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो उनके नाम का जो स्कूल का नाम है वो भी अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की तैयारियों पर जो है शिक्षक का भी जो है बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि हर एक शिक्षक चाहता है कि उनके बच्चे जो है वो टॉप करें, अच्छे नंबर लाए। और हर बार ये रिकॉर्ड रहा है कि छत्तीसगढ़ से जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं वो टॉप के स्थानों पर अपनी जगह बनाए है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की पढ़ाई है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, भले ही छत्तीसगढ़ में ये बातें कही जाए कि छत्तीसगढ़ में अब भी शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी केंद्रीय जो विद्यालय है वहाँ पे पढ़ाई की स्थिति जो है वो थोड़ी ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 95-98 के ऊपर ही आते हैं। और आपको बता दूं कि आज से 12वीं की परीक्षाएं जो है वो शुरू होने वाली है। इसके साथ ही कल से जो है वो 10वीं की परीक्षाएं होंगी, जिसमें लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग कोरोना काल के टाइम पे परीक्षा
के लिए जो तैयारी घर पे बैठ के किए थे उस समय भी बहुत सारे प्रेशराइज उनके लिए था, क्योंकि प्रेशर में आके बच्चों ने पढ़ा था क्योंकि कोरोना काल था, और ऐसे में वो कैसे एग्जाम लिखे ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि स्कूल में क्लासेस जो थे वो नहीं हुए थे। लेकिन इस बार पुराने पैटर्न में स्कूलों में जाकर परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षाएँ देनी है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक रहती कि मतलब आप एग्ज़ाम जब देते रहते तो आपका एक फ्लो बना रहता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम घर पर बैठ के देने लग जाते तो वो फ्लो कहीं ना कहीं एक तरह से हट जाता। तो वही कुछ हुआ है बच्चों के साथ कि दो सालों से जो थे वो लोग सभी घर से परीक्षाएं दे रहे थे, लेकिन इस साल जो है परीक्षा केंद्र में जाके परीक्षाएं देंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती है। और आज छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगहों पर जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं, लगभग बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें जो है परीक्षा देने वाले हैं। लगभग 5,000 से ज़्यादा छात्र जो है वो केवल केंद्रीय विद्यालय से जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है जो CBSE की, उनकी ओर से भी पूरी तैयारियां जो है वो की गई है ताकि पूरी परीक्षा जो है वो की जाए और नकल की भी कोई भी स्थिति ना बने। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है प्रोडक्ट्स है उसमें पहले ही जो प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है। इसके लिए भी तमाम इंतजाम तमाम व्यवस्थाएं केंद्रों पर की गई है, लेकिन इसके साथ ही पुराने पैटर्न पर एक बार फिर से CBSE बोर्ड एग्जाम करवाने जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका दामिनी, इसके साथ ही दीपक आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, चमत्कार और सिद्धि के दावों